चीजों को हमेशा समझने की कोशिश करिए आप। हमेशा कोई भी टॉपिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, जब आपके माइंड में गूंजेगा, समझेंगे, तब वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। अगर किसी को देर से याद होता है तो लिख कर याद करना चालू कर दें। कोई भी टॉपिक को उसको लिखे, अपने अकॉर्डिंग नोट्स लिख कर याद करना चालू कर दें, वो ज़्यादा देर तक रहता है। समझ रहे हैं? पहले तो पढ़ना चालू करिए, समझना चालू करिए। जैसे मान लीजिए मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम तक चला गया था, प्लांट तक मैं थोड़ा सा रैप कर देता हूँ, जैसे बुलेटिन जैसा। तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? एरिस्टोटल देखे थे, एरिस्टोटल। उसके पहले भी हम लोग लिविंग, जैसे कहते हैं क्लॉथ के लिए अलग से प्लांट यूज करते थे, कॉटन वाला, गॉसिपियम हिर्सुटम जिसे बोलते हैं, कॉटन का प्लांट है आपका, मालवेसी कहलाता है वो, मालवेसी, गॉसिपियम हिर्सुटम उसका बोटनिकल नेम है, कॉटन प्लांट है, मालवेसी फैमिली से है, मालवेसी का। तो फूड के लिए हम अलग से यूज करते थे, जैसे फ्रूट्स के लिए कौन से हम, मैंगो, ऐसा तो नहीं हम एजा डायरेक्टा का फ्रूट यूज करते थे खाने के लिए। एजा डायरेक्टा इंडिका मीन्स नीम, हम आम खाते थे ना कि उसके नीम के फल खाते थे, ऐसा तो नहीं। तो जैसे हम कौन सा एम्बलिका आफिस सिनेरम, तो उसमें से क्या हम आंवले का खाते थे, आफिस सिनेरम वाला, तो आंवले का इंपॉर्टेंट। तो कुछ हम पहले से ही डिसाइड कर रखा था, हमारे मॉन्क या प्रियस्ट कह सकते हैं, या आपके जैसे वाइल्ड मॉन्क जैसे साधु, और वो जो लिटरेचर है हमारा, हाँ पूर्वजों ने उसको सही कहा, इन्होंने हमारे पूर्वजों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि ये चीज़ क्लॉथ है इसके लिए यूज़ किया जाता है, ये कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे फूड के लिए रहता है। जैसे ग्रासेस को हमने ग्रेन के रूप में यूज़ किया था, मैंने बताया था वीट का प्लांट आपका फ्रूट है ना कि सीड है, किसी को डाउट तो नहीं इसमें? वीट का प्लांट गेहूँ का दाना फ्रूट है, फल है, बीज तो नहीं कह रहे हैं आप, क्या टीचर आज सही बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा सोच रहे हैं ना? मैं बोल रहा हूँ आपका जो गेहूं का दाना होता है वो फल होता है, आप देखिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा कभी। तो सर उसमें बीज क्या होता है? बीज, बीज जो आपका उसमें से सीड कोट होता है जिसे बीज चोल कहते हैं, अब भूण मिलकर, भूण उसके अंदर होता है सीड को, दोनों मिलकर आपका फ्रूट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और अंदर आपका एम्ब्रियो, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, फ्रूट के अंदर वो एक फॉर्म्स है आपका, एम्ब्रियो से ही उसका फ्रूट, उसका जर्मिनेशन चलता है। सीड कोट और एम्ब्रियो मिलकर आपके फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि मोनोकॉटिलीडांस है उसमें से कॉलियोप्टाइल होता है, कॉलियोप्टाइल नीचे के पास एलुरेन लेयर होती है, एलुरेन लेयर मैंने पूछा था एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मतलब 3N में होता है, उसमें से एलुरेन लेयर एक भ्रूण कोष की परत कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अक्सर नीट वगैरह में, हालांकि 12th में है, कि एलुरेन लेयर क्या होती है, एलुरेन परत क्या होती है, और उसमें, हाँ उसमें मोनोकॉट में होती है, एक बीज पत्री पौधे में होती है। पूछ लिया जाता है बीज में इतने गुणसूत्र हैं, बीज में 10 गुणसूत्र हैं, पत्ती में 20 गुणसूत्र हैं, तो एलुरेन परत में कितने गुणसूत्र होंगे? 30 होंगे, बताइए 30 होंगे, सही है इसका आंसर। क्यों? आपने पढ़ा होगा भ्रूण कोष हमेशा 3N होता है, एंडोस्पर्म 3N होता है, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन होता है, यू नो दैट ट्रिप्लॉइड फ्यूजन, 12th क्लास का है ये, बीएससी का भी है, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, हाँ दोहरा निषेचन, नवाश्चिन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड बाई दोहरा निषेचन, मतलब 2 times फर्टिलाइजेशन होता है उसमें से, 1 time मेल गैमेट्स और एग के साथ, सेकेंड टाइम सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स किससे आता है? पोलन ग्रेन से, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं उसमें से, फिर जाके वो आपका, तो अभी कितने हुए? एन प्लस एन 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 मतलब 3N हो गए, तो 3N, एन इक्वल टू आपका 10 है, तो 2N कितना हो गया? 20, यहाँ 3N है तो 3N मतलब 30। क्वेश्चन आपका ट्विस्ट आता है, देखिए मैं आपको बता दूँ। फिर उसके बाद उन्होंने, एरिस्टोटल ने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट प्लांट एनिमल को जो डिवाइड किया था,
और रेड ब्लड सेल्स नॉट प्रेजेंट। थोड़ा सा स्टैंडर्ड देखेंगे तो एनाइमा और एनाइमा, ई मतलब आए तो उसमें प्रेजेंट है आरबीसी, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं था, एरिस्टोटल को ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो एक तरह से फिलोसफर था, दार्शनिक था, महंत था एक तरह का, उसको ज्यादा साइंस में नहीं, वो सब जगह ज्यादा थोड़ा थोड़ा टच करता था, जैसे थोड़ी थोड़ी जानकारियां रखता था। तो उसने सोचा कोई ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें से आरबीसी प्रेजेंट है। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स ये भी बहुत पूछ लिया जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। कल एक क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने एक क्लास में कि सर हीमोग्लोबिन कम और ज्यादा कैसे हो जाता है, क्यों कह देते हैं आपका हीमोग्लोबिन कम और ज्यादा है, 11th के बच्चे ने पूछा था। आयरन की कमी हमारी बॉडी में होने लगती है तो कम होने लगता है, आयरन ज्यादा होने लगता है तो ज्यादा होने लगता है, क्योंकि आयरन ही हमारा क्या होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से अटैच होता है, हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन होता है, हीम आयरन होता है जो फेरस फार्म में होता है, फेरस के फार्म में होता है, आयरन के फार्म में ब्लड में नहीं लगा होता है, फेरस के फार्म में होता है। तो आयरन की कमी, लोग तभी तो बोलते हैं पालक खाइए चना खाइए, आइए ना चना बोलते हैं खाइए, आयरन की कमी हो गई है। आप कहते हैं अनार का जूस पीजिए, क्यों अनार का जूस ब्लैक क्यों हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिमूव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने पढ़ा होगा, रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ वो क्या कहते हैं रिमूवल एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यही तो होता है सिंगल लाइन में, क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिमूवल या एडिशन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्यों है? तो इस तरह करके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद लीनियस आया, लीनियस का बहुत दिन चला है, आपको कहना है सबसे ज्यादा किसका चला है लीनियस का, 1751 से सिस्टेमा नेचुरी जो आपका दिया था, सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी उसने 1751 बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया था वहां से उसने शुरू कर दिया था अपना क्लासिफिकेशन, और फिर जाके अभी 19th सेंचुरी तक उसका चला है, बीच बीच में कुछ आए हैं कोपलैंड और हैकल के, कोपलैंड और हैकल के आप समझ सकते होंगे, हैकल का 3 आया, कोपलैंड का 4 आया बीच में, लेकिन ज्यादा वरीयता नहीं दी गई, ज्यादा उनको प्रेफरेंस नहीं दिया गया, हालांकि एनसीईआरटी पे नहीं लिखा है, मैं आपको पर्सनली नॉलेज पे बता रहा हूँ कि हैकल ने 3 दिया था, प्रोटिस्टा टेस्ट कर दिया था, और फिर कोपलैंड ने दिया था। फिर आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्यों, क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशन ये सब की जरूरत पड़ी हमें, सेल वॉल की भी जरूरत पड़ी, तो इसमें से आप क्या क्या कह सकते हैं कि कुछ आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अक्सर पूछा जाता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके नीट का। आर एच विटेकर ने दिया था इसको 1969 पे दिया था, इस वजह से इसको क्या रहा आर एच विटेकर। अब ये किस बेस पे दिया था, मतलब इसका आधार क्या था, इसके क्लासिफिकेशन का मेनली आधार, पहला तो उसने सेल का स्ट्रक्चर वगैरह देखा कि यूनिसेलुलर हैं कि मल्टीसेलुलर्स हैं कि यूकैरियोट्स हैं कि प्रोकैरियोट्स हैं, जिसको ना याद हो यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या होता है, प्रो मतलब पहले कौन आया प्रोकैरियोट, यू मतलब बाद में, यूकैरियन एडवांस न्यूक्लियस, अगर आपके दिमाग में बैठाना हो प्रो मतलब पहले हमारा क्या बैक्टीरिया वगैरह आए थे, मैंने कहा था पहले हम यूनिसेलुलर आया था, याद रहेगा कि नहीं भाई है? अगर कोई पूछता है इसी में देखिए, जैसे राइबोसोम की चर्चा कर दे कोई कि राइबोसोम किस में क्या थे पहले, 70S 80S होते हैं, तो पहले क्या होता है 70, मतलब प्रोकैरियोट में 70S मिलेगा, हाँ यूकैरियोट में 80S मिलेगा 80S। आपको एक दिमाग में बैठाना है चीजों को कि हमारे सर ने क्या बोला था, कोई पूछ ले बेटा प्रोकैरियोट यूकैरियोट में पहले कौन आया, प्रो आया मतलब पहले, मोनेरा में माइटोकांड्रिया नहीं होता, माइटोकांड्रिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है मीजोसोम्स की बैक्टीरिया में,
जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करती है, उसको एनर्जी देती है। आप इसके साथ अटैच, संपुट अटैच करना पड़ेगा कि हाँ मोनेरा में माइटोकांड्रिया नहीं होता, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मेरे जैसे कि हाँ उसमें मीजोसोम्स पाया जाता है, उसकी आउटर लेयर में सीड की, बैक्टीरिया की। कैसे? बैक्टीरिया की लेयर आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया कुछ ऐसे रहता है, उसमें से बैक्टीरिया में ऐसे कुछ आपकी ये ऐसी लेयर होती है मीजोसोम्स की बैक्टीरिया में। तो मीजोसोम्स की लेयर आपकी ऐसे पाई जाती है। अच्छा है, देखो ईश्वर भी खुश है, इसको खुशी बोलते हैं, प्रकट का वो भी खुश है कि बारिश हो रही है। हाँ, वो ये सोच रहा है कि मेरा क्लासिफिकेशन चल रहा है। देखिए प्लांट और एनिमल के बारे में डिसाइड कर रहा है क्या पहले हुआ क्या नहीं, उसके बारे में संरचनाओं का स्टडी करा रहा है। आप जानते होंगे ना थोड़ा सा तानसेन के बारे में, तानसेन रात छोड़ता था तो बारिश होने लगती थी मेरे। हाँ ऐसा बोला जाता है, वैसे बुंदेलखंड में बारिश का होना एक शुभ संकेत कहलाता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग 2% में हैं डाइवर्सिटी में। मैंने बताया था बांदा जिला हमारा ओनली 2% डाइवर्सिटी, 2% डाइवर्सिटी जैव विविधता से, 2.31 मतलब इतनी जैव विविधता है। संख्या कम क्यों हो रही है बच्चों की धीरे धीरे, क्या समझ में नहीं आता हमको? अभी सर और कम हो जाएगी, वहाँ चले जाएंगे हम लोग, नहीं आ पाएंगे फिर। हाँ ये तो मैं बोल रखा था लेकिन मेरा चलता नहीं, मैंने कहा था क्योंकि देखिए मैं तो अपना 100% कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे शिकायत हो आप मुझसे खुले हम बोलिए, कैमरा भी चल रहा है, देखिए मुझसे बोलिए कि सर ये तकलीफें हैं, ये चीज़ें नहीं आ रही सर, मैं आपको वो चीज़ें समझाऊँगा जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे समझना। फिर देखिए अब ये मीजोसोम्स आपने पूछा था रेस्पिरेशन के लिए होता है, एनर्जी आपका इसमें से प्रोड्यूस भी करता है, यूजेस थोड़ा सा एज ए वर्क करता है, जैसे यूकैरियोट में माइटोकांड्रिया वर्क करता है एनर्जी के प्रोडक्शन में, ऐसे प्रोकैरियोट में ये मीजोसोम्स हेल्प करता है। अगर कोई पूछ ले ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम बताइए, ऐसे कोशिकांग का नाम बताइए जो माइटोकांड्रिया की तरह प्रोकैरियोट में कार्य करता है, एक कोशिकीय जीव में कार्य करता है, आपको तुरंत मीजोसोम्स बता देना है, यही आंसर है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट के अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, आप पूछिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप पूछिएगा, 99% टीचर्स नहीं बता पाएगा बांदा में। प्रोकैरियोट्स में अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? बता रहे हमको याद है, बहुत सारे प्रजाति जैसे अपलस प्रोटीन का बना होता है, नहीं जीनोपोर कहलाता है, जीनोपोर वही होता है, गोल-गोल से संरचना। हाँ गोल गोल सी संरचना, इसने सही कहा। हाँ डीएनए आपका सर्कुलर होता है, उसमें से अगर कोई कहते डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए लीनियर रेखीय होता है, प्लाज्मिड कहलाता है। हाँ उसी की संरचना कहते हैं। आप क्या समझते हैं उसमें से डीएनए और प्लाज्मिड अलग अलग ही होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जो अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ जीनोपोर कहते हैं, ध्यान रखिए, ये कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें से अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे तो आपने सही कहा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, इन्होंने कहा सर फिर अनुवांशिक पदार्थ और प्लाज्मिड में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मिड आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, सर्कुलर एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम मटेरियल, वो आपका अलग से थोड़ा सा, वो आपके किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और रिप्रोडक्शन कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादातर। आप सोचते होंगे बैक्टीरिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, हाँ एक लाइन लिखा है आपका एनसीईआरटी में, देखिए पढ़िए लिखा है देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, लिखा है हिंदी वाले में नहीं पता मुझे, लिखा होगा हिंदी में भी, लैंगिक और अलैंगिक दोनों करता है। अब जब ये तो चर्चा हो गई आपकी, माइकोप्लाज्मा बहुत पूछा जाता है कि पीपीएलओ क्या है, जोकर कहलाता है ये प्लांट किंगडम का, कभी कभी माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा
बताइए रो कैरियर्स है बेटा, उसमें सिलवाल तो है ही नहीं है, मोनेरा में आ रहा है। हाँ ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ सिलवाल विदाउट, उसका वर्क सिर्फ इन्फेक्शन करना है, उसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है नेकेड, बस बस अनुवांशिक पदार्थ। अरे भाई जिसमें जैसे आप कह दिया जाए वायरस को, वायरस में तो सेलवाल ही नहीं होती है लेकिन प्रोटीन की कैप्सिड होती है, कैप्सिड प्रोटीन मिलता है इसमें, यही आपके आरएनए मोस्टली मिलता है उसमें, आरएनए आपको दिमाग में बैठा लेना है, जितने भी लोअर वायरस वगैरह लोअर जितने भी रहेंगे मोस्टली आरएनए रहता है लोअर में, मोस्टली बहुत कम में डीएनए रहेगा। माइक्रोप्लाज्मा क्वेश्चन पीपीएलओ बहुत पूछा जाता है, क्या है पीपीएलओ भी बहुत पूछा जाता है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आप लोग डालते हैं, कभी कभी मुझे देर हो जाता है बताने में, नहीं देख पाता हूँ, तो इसकी टेंशन न लीजिए ज़्यादा कि सर देख इग्नोर कर रहे हैं, जब भी मुझे फुर्सत मिलता है मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, आपके आंसर देता हूँ, लगभग कोशिश करता हूँ कि सही रहे हो, क्यों भाई सही रहते हैं कि नहीं। देखिए एक आपने उसमें से एक आंसर पूछा था, एक ग्रुप बनाए हैं बच्चे लड़के लोग ये, कि उसमें आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूं, पहले हमें सही पे देखना है, उसमें एक ऑप्शन लिखा था कि कौन सा कुल है कौन सा गढ़ है, वो गढ़ कुल वाला था, उसमें से क्या है आपको एक उसका सोलेनेसी दिख रहा था, सोलेनेसी वाला एक कुल दिख रहा था उसमें से, लास्ट वाला ऑप्शन था, तो आपको चेक करना था कौन सा करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव में दो चीजें देखी जाती हैं सॉल्व करने में बेटा, कैसे पहले ये तो आप करेक्ट वाला सॉल्व करके देख लीजिए इसमें कौन सा चीज सही बोल रहा है या तो कौन सा चीज गलत बोल रहा है, तो कुछ तो टफ थे आपके लेवल से, जैसे वो बोटनिकल नेम वाले आपने पूछे थे थिया चाइनेंसिस वगैरह, और कुछ आपके हीबिया ब्रेसिलेंस जो रबड़ का प्लांट था उसमें से एक दो और पूछे थे ऐसे करके, लेकिन बूफो का वो नहीं होता है, इस वजह से बूफो जानते हैं ना, बूफो आपका उसमें फ्रॉग में आता है, रेप्टाइल्स में आता है, एम्फीबियंस सॉरी एम्फीबियंस में आता है, उसी का आपका एम्फीबियंस का एक वैरायटी है, अभी एनिमल किंगडम में लिखाया है मैंने आपने, देखिएगा आपने इलेवन पढ़ा है आप देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए मोनेरा की तो चर्चा हो गई कुछ, अब मोनेरा में है आपके और भी हैलोफाइल्स वगैरह कुछ रहते हैं, एसिडोफिल्स वगैरह कुछ होते हैं जो अब इसमें से आते हैं, एसिडोफिल्स वगैरह कुछ आपके थर्मोएसिडोफिल्स रहते हैं, कुछ मिथाइनोजेंस होते हैं जो कैटल के गट्स वगैरह में रहते हैं, कैटल बोले तो चौपाया, चौपाया डंग में, डंग जानते हैं गोबर, डंग जानते हैं DUNG, डंग मीन्स गोबर होता है, उसके थ्रू भी मिथाइनोजेंस बैक्टीरिया, हाँ उनके गट में भी रहते हैं, थर्मो एसिडोफिलस, हाँ वो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग बोले तो ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रहता हो, तापमान ज्यादा रहता हो, ऐसे जीवाणु जो 100 डिग्री से भी ज्यादा तापमान पे रहना जानते हो या रहते हो, ऐसे जीवाणु थर्मो एसिडोफिल्स कहलाते हैं, एक प्लांट भी बहुत वहां पे ग्रो करता है पूछा जाता है, राइजोफोरा करके मैंग्रोव प्लांट, हाँ उसका भी पूछा जाता है आपका एग्जांपल नीट वगैरह में कि मैंग्रोव कहाँ उगते हैं, अब मैंग्रोव का एक करेक्टर्स भी है उसमें निमेटोफोर्स रूट्स पाई जाती हैं, श्वसनीय जड़ें पाई जाती हैं मैंग्रोव से, जो नहीं जैसे मान लीजिए, हालांकि ये इस टॉपिक का नहीं है, मैं देखिए मेरा एक वो बचा है सिर्फ वायरस एंड वायरॉइड्स, इसलिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर को फिर से थोड़ा सा, और वायरस एंड वायरॉइड्स एक दिन का है समझ रहे हैं, इसलिए इस चैप्टर को मैं फिर से क्योंकि पूरे हफ्ते इसमें से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाना है मुझे, इस वजह से इस चैप्टर को मैं बार बार रिवाइज फिर से कर रहा हूँ, आप सुन इस हफ्ते पूरा दे, तो आपको मैं बता रहा था जैसे मान लीजिए वहाँ पर ये वाटर भरा हुआ है,
लवणीय जल समुद्र का किनारा है, मार्शी एरिया है। मार्शी एरिया रॉन्ग है आपका, मार्शी एरिया स्वैम्पी एरिया वो अलग होते हैं, जहां पे क्या कहना था, मार्शी एरिया वो एरिया होता है जहां पे जल थल मतलब वाटर और नमी, जैसे मतलब आप मिट्टी जैसे कहते हैं दल 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 एरिया, हिंदी में बोल रही है उसको दल दल एरिया, क्या जहां पे पानी भी कहीं 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 पे ऊंचाई भी मतलब मिट्टी भी दिखाई है, लेकिन ये जो मैंग्रोव रहता है आपका ये सैलाइन वाटर का प्लांट है। और निमाइटोफोर्स कैसे, मान लीजिए ये प्लांट ग्रो करता है ऐसे, ये प्लांट मैंने ग्रो करा दिया ऊपर को, इसमें से जड़ें ऐसे दिखाई देती हैं, जड़ें बाद में नीचे फिर जड़ें, तो पानी में फिर पानी कभी कभी सूखता है, यह ज्वार भाटा आपने नाम सुना होगा, तो पानी का आना और पानी का ना सुना है, तो इनकी जड़ें ओपन भी बनी रहती हैं ऊपर ऐसे, फिर ये जड़ें कभी कभी ऐसे, ये जड़ें कभी कभी ऐसे, ये जड़ें ऐसे, तो जो जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकलने लगे, हाँ देखिए इसमें से बने हुए हैं, लेकिन ज्यादातर सैलाइन वाटर ज्यादा कहलाता है वो ठीक है लिखा है आपका क्योंकि, लेकिन ये तो ये आपके न्यूमेटोफोर श्वसनी जड़े कहलाती है, बहुत पूछा जाता है, श्वसनी जड़े कहलाती है, इनको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक की निगेटिव जियोट्रॉपिक, धनात्मक गुरुत्व अनुवर्ती की ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्ती, ऋणात्मक क्योंकि अगर ये भी बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है आपका, ये नहीं पूछा जाता है कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, आप इतना हलवा क्वेश्चन न सोचिएगा नीट या कंपटीशन में कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, झकड़ा जड़ें मूसला जड़ें, समझ रहे हैं, आप उम्मीद ना करिएगा टैप रूट और एडवेंटियस रूट आता है इस तरह, वो क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं, और जिसको ना समझे आप फिर से सुन लो, इसको आगे है समझ बच्चे को, मैंने कहा ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती है कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, थोड़ा सा हिंदी का सब्जेक्ट कम है, मैं सीधे बोल दूं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक नेगेटिव जियोट्रॉपिक्स, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किधर को जा रहा है, नीचे की ओर, जड़े नीचे को जाए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक्स, और जड़े नीचे से ऊपर की ओर जाए निगेटिव, स्टेम हमारा क्या है निगेटिव जियोट्रॉपिक की पॉजिटिव निगेटिव, हाँ पॉजिटिव फोटो स्टेम होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, रूट्स नहीं होंगी, रूट्स निगेटिव होंगी, ये रूट्स होंगी, हाँ ये रूट्स होंगी पॉजिटिव, जनरली रूट्स धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती नहीं होती हैं, सामान्यतः जड़ें धनात्मक प्रकाश अनुवर्ती मतलब जड़ें अंधेरे की ओर जाती हैं, प्रकाश से दूर जाती हैं, प्रकाश की ओर नहीं जाती हैं, कभी देखा जड़ों को प्रकाश की ओर जाते हुए, तना पत्ती प्रकाश की ओर जाते हैं, ऐसा क्या रीजन है जड़ें प्रकाश की ओर नहीं जाती तना पत्ती जाते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि सर उन्हें तो पहले फोटोसिंथेसिस, हाँ ये भी एक रीजन है फोटोसिंथेसिस, सही है, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल होता है आप सभी जानते हैं, लीफ के टू टाइप्स होते हैं स्पंजी सेल मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स में आपके क्या मिलता है क्लोरोफिल मिलता है, तना भी जाता है बाहर की ओर, क्योंकि तने में भी आपकी कौन सी सेल्स होती है कोलेनकाइमा मिलती है, अब कोलेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है कोलेनकाइमा में, आपने सुना होगा ना सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो सिंपल टिश्यू के आपके कोलेनकाइमा में अगर देखिए तने में कोलेनकाइमा पाया जाता है, तने में कोलेनकाइमा पाया जाता है, तो उसमें से कोलेनकाइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्लोरेनकाइमा कहलाता है, मतलब अगर आपसे कोई कह दे बेटा किसी प्लांट की सभी पत्तियां काट दूं मैं, तो क्या प्लांट को फोटोसिंथेसिस करेगा, करेगा, उसी लिए मैं बता रहा हूं आपको, आप देखिए मैं आप सबको वो चीज बताऊंगा जो किसी ने 11 12 बीएससी में पढ़ाया नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि वो चीजें मुझसे सीखें आप जो आप ना पढ़े होंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा एक एक लाइन बताना चालू करूंगा, आप कहेंगे टीचर तो हमें बता भी चुके हैं, लेकिन जो चीजें मैं बताता हूं क्या वो पढ़ चुके हैं आप, क्लोरेनकाइमा सुना था नाम इतने में, आप उन्हें इसलिए हिला रहे हैं क्योंकि आप उससे पढ़े हैं, क्लोरेनकाइमा में क्या होता है आपको स्टेम में
क्लोरोप्लास्ट मिलता है, इस वजह से उनको क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। किसी किसी सेल्स को एरेनकाइमा कह देते हैं। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या है बताइए? एरेनकाइमा जैसे ना आपको कंप्लीट हुआ ना, जैसे वाले बताएं एरेनकाइमा। आपने जलीय पौधा देखा है? जलीय पौधा जल में क्यों तैरता है? हाँ, और क्यों तैरता है? और भी तो कुछ रीजन होगा। पक्षी क्यों उड़ता है आकाश में, क्या रीजन होता है? बोन में क्या भर जाता है? एयर होती है। इनमें क्या भर जाएगा? एरेनकाइमा, जिनकी लीफ पे एयर सैक पाए जाते हो, एयर फिल हो जाती है। तो याद करिए, आप देखिए, आप दिमाग लगाइए, एयर कैसे ना भर जाएगी? एक्सचेंज ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा नहीं करता क्या हेलोफाइट्स? मतलब आपका स्टोमेटा नहीं मिलते हैं क्या उसमें जली पौधे में? तो फिर उसमें से गैसेज नहीं जा सकती? क्या जली पौधा आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करता है? आपका पहला आंसर ठीक था कि वैक्स होते हैं, मतलब उसकी सतह जो ऊपर की लेयर होती है चिकनी होती है, तो सब जगह से पानी इवेपोरेट नहीं जा सकता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस। आप क्या सोचते हैं, किसी पौधे को पानी में जरूरत है उसको भर दो बाढ़ जैसा पानी, जैसे आपको प्यास लगी है मुंह बंद कर दो पानी में कह दो लो पियो, छक जाओ पीके, तो पियोगे क्या? कान से पियोगे पानी? प्लांट भी प्लांट होता है भाई, वो भी एक तरह का जीव है। आप उसको क्या सोच रहे हैं, किसी पॉट को सूख रहा है उसके स्टोमेटा बंद कर दीजिए एक तरह से, या लीफ के पार्ट में प्लास्ट लगा दीजिए, प्लास्टिक के रैप कर दीजिए बहुत टाइट बिल्कुल, अगर ये ले पी ले पानी, जड़ें उसकी बंद कर दीजिए, तने से पी ले, लीफ से पी ले पानी, पिएगा क्या? वो रूट से ही लेगा ना एग्जॉर्प्शन। कोई कोई पानी डालता है पौधे पे तो उसकी पत्तियों को भिगो के चला आता है, अब नीचे पानी नहीं डालता है जड़ों में और मिट्टी में, ऐसा तो नहीं करते हैं। पौधा सूख गया, पौधे के मतलब समझ रहे हैं उसकी मिट्टी को गीला करना है, तो पत्तियों को गीला नहीं करना है, समझ रहे हैं आप? आपको पानी अंदर जाना चाहिए पीने के लिए, आपको टब में नहा लीजिए, मुंह से पानी बंद पीजिए, कहीं प्यास लगी पी लेना, मुंह बंद कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो जिसका वर्क है वही उसी काम से होगा। अब देखिए एरेनकाइमा कैसी होती है, इनकी पत्तियों की सतह में एयर भर जाती है, कैविटी, एयर की कैविटी फिल, मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था शायद, एयर कैविटी, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाती है, दिखाया था आपने, एयर लाइक स्ट्रक्चर एक कैविटी जैसा बन जाता है, तो जिससे उसमें ब्यूएंसी आती है, एक तरह से एक स्थिरता आती है, वो तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं। अगर उसका और सीधा सा एग्जांपल देखना हो आपको, तो आप उस जो कमल का प्लांट या कोई वाटर वाला प्लांट जाइएगा और थोड़ा सा उसी पत्ती को दबा दीजिए, पिच जैसे होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे स्पंजी टाइप का, आप किसी भी पत्ती को बाहर जाएंगे ऐसे दबाएंगे वो आवाज जैसे नहीं होगा, लेकिन उस हाइट जो आपके जिसे कहते हैं जली पौधे को थोड़ा सा दबाएंगे वो ऐसे स्पंज टाइप्स का रहता है, वो हाइट आपके एरेनकाइमा होते हैं ये सब। तो और भी सेल्स होती हैं, जैसे आप कह सकते हैं पैरेनकाइमा और जो क्लोरेनकाइमा होती हैं, ये दोनों आपकी लिविंग सेल्स हैं, पैरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा आपकी लिविंग सेल्स हैं, ये भी लिविंग सेल्स है, कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स है, लेकिन एक आपने सुना होगा स्क्लेरेनकाइमा, वो आपकी डेड सेल्स है, लिविंग, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा क्यों डेड है? आपने ये तो सुना होगा डेड,
मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि सर वो सेल डिवाइड होना बंद कर देती है। हाँ ये भी एक आंसर सही है, लेकिन और क्लियर आंसर, क्योंकि उसकी सेल्स में लिग्निन पाया जाता है, तो सेल्स लिग्निफाइड हो जाती है, जिससे जो इम्परियेबिलिटी होती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है और रुक जाती है उसके पहले। इन्होंने थोड़ा सा आगे का आंसर दिया, मैं उसके पीछे का आंसर दे रहा हूँ कि उनमें लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन क्या होता है? चमकदार कठोर पदार्थ, जैसे नाशपाती खाते हैं एक चमकीला सा पदार्थ कठोर, जैसे सेब खाते हैं कुछ चमकता जैसे है थोड़ा थोड़ा, कभी देखा है सेब को खाते हुए चमकने, अंदर के क्रिस्टल जैसे चमक रहे होते हैं भीतर से, थोड़ा सा क्रिस्टल जैसे, कभी कभी लाइट पड़ती है तो उसमें क्रिस्टल जैसा चमकता है, वो लिग्निन होता है। अगर कोई पूछे स्क्लेरेन्काइमा डढ़ोतक ऊतक, डढ़ोतक जिसे डढ़ोतक जो भी बोलते हैं उसको स्क्लेरेन्काइमा, हाँ डढ़ोतक, तो उसमें क्या है? वो नॉन लिविंग है। क्यों नॉन लिविंग है? मतलब उसमें नहीं, क्योंकि उसमें लिग्निन पाया जाता है और वो इम्परियेबल कर देता है सेल्स को, मतलब आर पार उससे कुछ जा नहीं सकता उनकी कोशिकाओं में, क्योंकि कोशिकाओं में हमेशा क्या चलता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परिएबल मेम्ब्रेन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जानते होंगे ना? नहीं जानते? ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं? परासरण बोलते ना, तो परासरण की प्रक्रिया क्या कहलाती? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और किसके द्वारा? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा। इस तरह की करेक्टर्स हो सकते हैं आपके जो रहते हैं। अब फिर उसमें से एक बहुत पूछा जाता है आपका, कौन सा? यू बैक्टीरिया वगैरह ये कुछ रहते हैं आपके, ये क्या साइट किसमें है आपके? यूग्लिना वगैरह, यूग्लिना बहुत पूछा जाता है आपका। यूग्लिनाइड्स मैंने बताया था, क्या होता है यूग्लिना? एक करेक्टर नहीं, पेलिकल की लेयर होती है सावा, और यूग्लिना आपका प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है, एक बीज की कड़ी, सावास कड़ी कहलाता है, बीज की कड़ी, कि इधर को भी उधर को भी, इधर से भी उधर से भी। क्यों? जब वो लाइट होता है, सोलर लाइट होता है, तब अपना वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, और जब लाइट नहीं होता तो हेटरोट्रॉफिक्स का बिहेवियर करता है। लाइट रहा, फोटोसिंथेसिस किया, लाइट नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसमें से कीमोरिसेप्टर पाए जाते हैं उसके फ्लैजला में। आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन बता दूं, फ्लैजला कसाब होता है, जो कसाब, कसाब और कसाबिकाएं, कसाब जो बोलते हैं ना फ्लैजला, तो फ्लैजला में उसमें से आपके क्या फोटोरिसेप्टर होते हैं, लाइट के कणों को अवशोषित करने वाला, लाइट के इलेक्ट्रॉन को। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन में अंतर क्या है? What is difference between electron and photon? कोई photon शब्द होता है कि नहीं? जैसे photon में आपने बताया था कि उसमें से मतलब आप नहीं बताइए, photon में एक्सरे किरणें डालने से तुरंत ही ऊर्जा दे देता है। मेरी समझ से फोटॉन ये है कि सामूहिक रूप से इलेक्ट्रॉन जो आता है उसका समूह का एक रूप है और उत्सर्जित हो जाना, आपका कुछ हद तक सही था आंसर। हाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सामूहिक रूप से आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैं फोकस इस पे डालू किसी भी चीज पे, तो फोकस एक सामूहिक रूप से आ रहा है और वो सामूहिक एक रिफ्लेक्शन दे दे ऊर्जा का या किसी भी स्तर का, वो फोटॉन हो गए सामूहिक, कुछ हद तक सही था इनका, ये कहलाता है फोटॉन। उसके इलेक्ट्रॉन आपके एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन एक एक करके इलेक्ट्रॉन एक जगह ही फोकस कर रहे हैं जाकर, तो फिर वो उत्सर्जित हो जा रहे हैं फोटॉन के कणों में, तो उनका एक जगह का गिरना वो फोटॉन फिर कहलाया है, सामूहिक रूप से, ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन का एग्जांपल प्रोजेक्टर कह सकते हैं? हाँ कुछ हद तक, लेकिन प्रोजेक्टर में हम किस लिए नहीं कह सकते, वो कौन एनर्जी दे रहा है? हाँ मैं आपको उसमें से कह सकता हूँ इमेजिन करा के, लेकिन यह फोटॉन की चर्चा से फोटोसिंथेसिस से होती है, एनर्जी से हो रही है, फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, तभी तो आगे चल के थियोफाइटिन बनता है ना। फोटॉन 10^-6 सेकंड में तुरंत, हाँ बस ये इस तरह रहता है।
अब देखिए, फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे युगलीना वगैरह की। कौन सा एग्जाम्पल लिखा है? युगलीना ही है। अगला आता है स्लाइम माउंट्स। स्लाइम माउंट्स को हिंदी में पता नहीं, कुछ अपवंग या कुछ ऐसा लिखा है, अवपंक। हाँ, अवपंक कवक, अपवंग कुछ या था, अवपंक या अपवंग। स्लाइम माउंट, स्लाइम माउंट्स भी आपका बिहेवियर करता है टू मोड में। टू मोड में दो केंद्रक किस में पाए जाते हैं? दो केंद्रक किस में पाए जाते हैं? दो केंद्रक किस में पाए जाते हैं? ये तो मुझे नहीं, मैंने देखा किस पे, एक तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और उसमें आया था कि ये किस प्रकार के दो केंद्रक पाए जाते हैं। दिखाइए क्वेश्चन, दो केंद्रक किस में पाए जाते हैं? एक सेल में दो केंद्र, डिवीजन क्या है? डिवीजन के उससे सर, हां नहीं सर, उसमें जब डिवीजन हो जाता तब मतलब डिवीजन के समय हो सकता है, डिवीजन के समय हो सकता है। उसके बाद तो मैंने अभी तक जो पढ़ा है कि एक कोशिका में दो केंद्र नहीं होते, एक कोशिका में दो केंद्र, ये जो हमने पढ़ा है कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट होगा उसमें से, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा। या फिर सर उसमें ये कह रहा हूं डिवीजन के, हां अब देखिए, हां स्लाइम माउंट्स में आ जाते हैं, चलिए उनको। तो स्लाइम माउंट्स आपका फंगस का भी बिहेवियर करता है, एनिमल का भी बिहेवियर करता है, एनिमल और फंगस का बिहेवियर करता है। तो जब वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है तो फंगस कर देता है, अनफेवरेबल में आपका प्लाज्मोडियम बनता है। क्यों लिखा है ना अनफेवरेबल? अनुकूल में कवक का बिहेवियर और प्रतिकूल में, हाँ दोनों की अवस्थाओं में, जैसे आपका युगलीना कर रहा था तो वो इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, वैसे तो एक तरह के स्पोर्ट्स निकालता है बस प्लाज्मोडियम। हाँ ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोआ है, ऑर्गेनिज्म में ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपने जो फर्टिलाइजेशन के थ्रू अपने अपनी तरह के एक स्पोर जैसी स्ट्रक्चर निकालता है, स्पोर ओलिगेशन। मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो एनिमल जैसा है, लेकिन उसको हम प्रोटोजोआस कह सकते हैं, सिंगल सेल्स का एक तरह का प्रोटोजोआ। हाँ वैसा बिहेवियर करता है कि प्रोटोजोआ में जाके कन्वर्ट होने लगता है स्लाइम माउस। तभी तो आप ये देखिए बेटा कि वो एक सीरियल से लिखा हुआ है, हमने स्लाइम माउंट्स को पहले क्यों नहीं पढ़ाया? उसके बाद फिर प्रोटोजोआंस आए हैं आपके, उसके लिए अल्लाह ये क्वेश्चन दो प्रकार के केंद्रक सिलिएट्स अन्य सभी प्रोटोजोआ से किस प्रकार भिन्न है? इसमें दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सीलिएट्स, ये मैं आपको बता दूं ये क्यों कह रहा है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक तरह से कह दिया जाए सीलिया जो पाए जाते हैं, सीलिएट्स। इसमें लिखा भी है, एक्सप्लेन किया गया, क्या लिखा है? सीलिएट्स सभी प्रोटोजोआ से भिन्न है। हाँ सीलिया में क्या होता है, दो प्रकार के, माइक्रो और माइक्रो मतलब एक छोटा एक बड़ा केंद्र जिसे कहते हैं, छोटा और बड़ा केंद्र। हाँ पैरामीशियम, देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं समझ गया आपका, वो पैरामीशियम एक अलग है, पैरामीशियम एक अलग है, लेकिन उसमें कहा सीलिएट्स में जिसमें सीलिया पाए जाते हैं। तो सीलिया किसमें पाए जाते थे? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। तो सीलिया का काम क्या था? पछमाभ। सीलिएट्स हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, मैं कहता हूं पछमाभी। पछमाभियों में दो केंद्रक होते हैं उनका कहना है, हिंदी में समझ लीजिए, मतलब पछमाभ जो होते हैं उनमें से छोटा एक बड़ा केंद्रक। क्यों? क्योंकि एक तो डिवीजन करता है और एक वर्किंग के लिए उसको हेल्प करता है, अगर कभी टूट जाता है या ब्रोकन होता है तो अटैच होता है उसके फ्लैजेलिन से, फ्लैजेलिन और ट्यूबलिन दो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें से, उस प्रोटीन पाई जाती है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा तो न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों फ्यूज होकर जब जर्मिनेशन करेंगे या रिप्रोडक्शन करेंगे तो एक ही फॉर्मेशन करेंगे। एक ही केंद्रक होता है, अमीबा आपका स्यूडोपोडिया है, इररेगुलर स्ट्रक्चर्स होती है, कूटपात पाए जाते हैं, स्यूडोपोडिया मतलब कूटपात, आपने नाम सुना होगा, यह कूटपात जंतु है। कूटपात मतलब इसमें आभासी पोडिया पाए जाते हैं,
मैंने एक दिन बताया था आपको स्ट्रक्चर्स में क्या स्यूडोपोडिया शायद लिख के बोला था मैंने क्यों भाई कि मैंने सी क्या बोला था हाँ फिर मैंने फ्लैजला कहा था फिर मैंने इनके फिन्स वगैरह बोले थे फिन्स वगैरह कह सकते हैं या आप लिम्स भी कह सकते हैं आगे चल के ये कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं स्टार्टिंग की मतलब क्या है ये लोकोमोशन का स्ट्रक्चर्स है बीच बीच में यहां सीलिया के बाद हम अटैच कर सकते हैं टेंटिकल्स भी अटैच कर सकते हैं और इसको फिर यहां ला सकते हैं टेंटिकल्स वगैरह जैसे हाइड्रा वगैरह में पाए जाते हैं प्लेनेरिया में पाए जाते हैं ये मतलब लोकोमोशन के साधन है जीवों का विकास कैसे हुआ है मतलब पहले क्या था जब इस अर्थ में कोई जीव आया तो उसके हाथ पैर नहीं थे वो अमीबा जैसा ही था इररेगुलर स्ट्रक्चर अनिश्चित आकार की संरचना अमीबा को आपने पढ़ा होगा किसी भी आकार में उसकी संरचना बनती है फिर उसमें क्या रहता है उसका डिवीजन हो जाता है तो उस समय भी हो सकता है इसलिए उस सिलिएट्स में बोल दिया गया है क्योंकि उसमें से माइक्रो और छोटे और बड़े केंद्रक होते हैं उसमें हम कह सकते हैं क्योंकि सीलिया भी एक अलग से बाहर लगे हुए हैं उनका अलग वर्क है अब अंदर से एक अलग पार्ट बने हैं तो ये हो सकता है फिर उसके बाद वो देखिए सिलिएट्स तो लिखा है लेकिन पैरामीशियम नहीं लिखा है हाँ पैरामीशियम के अलावा भी और भी हो सकते हैं आपके कुछ उसमें से पाए जा सकते हैं सीलिया वगैरह आपके सीलिया जैसी स्ट्रक्चर्स रहती है आपकी कुछ मोलस्का ग्रुप में अंदर से इंटरनल में लेकिन बेस्ट एग्जांपल आपका पैरामीशियम जीनोपोर स्यूडोपोडिया कूटपाद कहलाता है जो अमीबा में रहता है कूटपाद कहलाता है कूटपाद जानते हैं ना किसी भी स्ट्रक्चर को ऐसे बोल देते हैं तो ये आपके क्या रहे फुटपाथ कहलाए ना आगे चल के ले सकता है क्यों नहीं ले सकता है नहीं तो उसकी स्ट्रक्चर तो ले सकता है लेकिन उसकी जैसी संरचना कहाँ से पाएगा सीरिया नहीं बना वही मैं कह रहा हूँ ना केंद्रक सीरिया उसका उसके स्टार से स्ट्रक्चर उसके अंदर माइटोकांड्रिया वगैरह भी थोड़े बहुत होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर गट्स भी होता है मतलब मुख कैविटी भी पाई जाती है उसमें से पैरामीशियम में माउथ पार्ट होता है ना थोड़ा सा उसमें से आपके पैरामीशियम में ये रहता है ना बेटा यहीं से एंट्री करता है ये सब जगह से एंट्री कर सकता है एक ही जगह से हाँ कैविटी गलत मैंने बोला ना माउथ पार्ट रहता है इसी तरह अमीबा में जो भोजन ग्रहण करते हैं फूड पार्ट वाला हाँ फूड पार्ट वाला क्या करते हैं वो यहाँ से एंट्री करके एक स्यूडो वैक्यूल्स बना लेते हैं कूट रिक्तिका बना लेते हैं क्या बनाते हैं कूट रिक्तिका बना लेते हैं स्यूडो वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर बना लेते हैं अंदर और यहाँ फूड का मटेरियल ले लेते हैं अंदर आ गया फिर उसको इंजेक्शन करते हैं इसी वजह से इसको कठोर या लिक्विड पदार्थ के रूप में तो अमीबा को होलोजॉइट कहते हैं अमीबा होलोजॉइट का है मतलब कठोर या तरल पदार्थ का अवशोषण कर लेना और फिर बाहर निकाल देना फैगोसाइटोसिस की तरह अपनी लेयर को बस्ट करके फट कर लेयर बाहर आ जाता है उसका एक्सक्रीशन मटेरियल उत्सर्जित पदार्थ क्लियर है और कुछ आपने जो पूछा था वो थोड़ा सा हो सकता है लेकिन उसकी संरचना नहीं ला सकता है हम बंदर जैसे चल सकते हैं लेकिन बंदर जैसा बिहेवियर कहाँ से लाएंगे समझ रहे हैं ना हम बंदर जैसे चल तो सकते हैं जैसे बंदर चलता है चारों आपके उससे लेकिन उसका बिहेवियर उसका करेक्टर कहाँ से लाएंगे क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन डेवलपमेंट हुआ है इवोल्यूशन हुआ विकास हुआ है विकास हुआ बंदर पहले हम थे लेकिन अब मानव बन गए अब हम सीधे पैर से चलने लगे खड़े होने लगे अब हम सोचे कि हम बंदर जैसा नहीं चल सकते चल सकते हैं बंदर जैसा लेकिन उसके जैसा करेक्टर लाने में हमें फिर सदियां बीत जाएंगी हमारी पूरी 2-4-10 जनरेशन को वैसे ही चलना पड़ेगा वैसे लटकना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा फिर से पूरी जनरेशन को जनरेशन बोले तो पूरे घर के फैमिली पूरे मेंबर को सब कुछ करना पड़ेगा बिहेवियर वैसे ही करना पड़ेगा हमें
तब हम हो सकता है, क्योंकि विकास एक दिन का नहीं होता है, आप ये समझिएगा। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, सदियां रहती हैं। अगर ऐसे होने लगे तो आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि चूहे की पूंछ काट दे रहे हैं, अगले चूहे जन्म लेते थे ना तो चूहे वाला पूंछ आता है, ऐसा सुना हो ना, राइट? किटकेल वाला बताइए किसने किया था? आपने बताया चूहे की पूंछ काट दे रहा था और कह रहा था अनुवांशिक लक्षण क्यों है, क्या वाटसन क्रिक 19 सेंचुरी के हैं, वाटसन वाटसन और लैमार्क, लैमार्क ने क्या किया था? चूहे की पूंछ काट दी, चूहे की पूंछ काट दी लैमार्क, लैमार्क ने जिराफ का किया, हाँ, और सोचिए चूहे की पूंछ, हाँ, रैट का एक्सपेरिमेंट जो आप बता रही हैं ना, वाटसन एंड क्रिक 19 सेंचुरी के, वाटसन और क्रिक नहीं जानते, डीएनए भी डिस्कवरी किया चोरी करके मटेरियल लाए थे, अभी बताऊंगा आगे चलते। रॉबर्ट राय नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ सही कहा आपने, लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल मरते नहीं, आपने सही कहा, डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ दूसरे लोगों के पास भी आधार आ जाता है, लेकिन हो सकता है उसकी एक स्ट्रक्चर खत्म होने लगे, इससे मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का जीवन पर लिमिट खत्म हो जाता है, वो अपने जैसी संरचना बना दे रहा है, लेकिन जो मदर का होस्ट था वो फिर उसके से दो में बन जाता है, फिर वो दो से चार में बन जाता है, मतलब एक न्यू मटेरियल हो जाता है, नहीं हाँ, बीज बैन, देखिए इसने सही किया, हाँ बीज बैन कहलाता है, उसको वाइस मैन नहीं बोलते, बीज बैन कहलाता है, जो चूहे की पूंछ में, उसने ये कहा था बीज बैन ने, WEIS बीज बैन कहलाता है, इसने सोचा था कि क्यों ना मैं चूहे की पूंछ काट दूं, 21 जनरेशन तक, क्यों? क्योंकि चूहा तो 3 महीने में प्रेग्नेंट हो जाता है ना, और 3 महीने बाद बच्चे का जन्म देता है, तो उसको 21 जनरेशन तक करने में कोई ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मतलब 1 ईयर में 4 जनरेशन, लगभग 5 ईयर में उसको पूरा जनरेशन हो जाएगा, मेंडल ने भी तो 7 ईयर वर्क किया था, तो एक दिन के रिसर्च से नहीं हम कह सकते ये लोग, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा सर कि प्रोकैरियोट में क्या सेल की डेथ हो जाती है, यूनिसेलुलर की क्या होता है, जिंदा रहते हैं कि क्या डेथ होती है क्या नहीं होता, इनका कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्यों भाई? हाँ, यूनिसेलुलर की सेल डिस्ट्रॉय होती है कि नहीं होती है, मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये है कि मान लीजिए ये आपका हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये बात सही है आपका, कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपका, हाँ, तो उसमें से क्या रहता है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर, ये चेंज हो रहा है, तो इसमें से बैक्टीरिया आपका, ये आपके जेनेटिक मटेरियल है, कैसी जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियल सेल है, पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, तो जेनेटिक मटेरियल हमारा पहले डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद
जेनेटिक मटेरियल हाफ हाफ हो जाएगा, टू सेल बन जाएंगी। टू सेल बन जाएंगी। हमारे पास क्या था, एक था ये जो जेनेटिक मटेरियल आया वो एक न्यू जेनेटिक मटेरियल के साथ दो सेल आ गए। आप इसको पेरेंट सेल नहीं कह सकते हैं, ये तो बचा ही नहीं है, क्या ये रह जाएगा? और ये क्या पेरेंट सेल होगी कि डॉटर सेल होगी? पुत्री कोशिकाएं होंगी कि आपकी संतति कोशिकाएं होंगी? वो मतलब डॉटर पेरेंट सेल को क्या बोलेंगे? पैतृक। हाँ पैतृक। तो ये हमारी पैतृक थी और ये मैं इनको पुत्री कोशिकाएं कह रहा हूं, डॉटर सेल कह रहा हूं। क्यों भाई इनको क्यों नहीं मैं पैतृक कह रहा हूं? आप क्या कहेंगे इनको पैतृक? अपने रूप से दूसरे रूप में बदल जा रहा है। अब इसको चाहे आप बेटा कह सकते हैं कि वो खत्म हो गए, और चाहे ये कह सकते हैं अपनी अपनी कोशिकाओं को, मैंने बोला था ना वो एक्सचेंज बदल लिया अपना रूप। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए मेरी डेथ हो गई, मैं ऑर्गेनिज्म हूं एक, लेकिन मेरा जीन तो मेरे बच्चे में जाएगा ना, मेरा जीन मेरे बच्चे में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मेरा अनुवांशिक पदार्थ तो है ना मेरी जनरेशन में, मेरी स्ट्रक्चर की डेथ हुई है ना कि मेरे जीन की डेथ हुई है। इसी तरह से स्ट्रक्चर की डेथ हो जाती है, जीन की थोड़ी होती है इसमें। जेनेटिक मटेरियल तो जनरेशन टू जनरेशन आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, यही तो कहते हैं हेरिडिटी। जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर हो रहा है ना जनरेशन टू जनरेशन। आपका जन्म हुआ तो आपके पेरेंट्स से हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स का डेथ हो गया या अब किसी के, ऐसा ईश्वर चाहे ना हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा। फिर तो जीन तो बराबर चल रहा है ना जनरेशन टू जनरेशन, तो उसमें से हम ये कह सकते हैं कि हम एक रूप से दूसरे रूप में आ गए हैं। पहला वाला बैक्टीरिया तो खत्म ही है, नहीं आया समझ में, वो उसकी तो डेथ हो गई, गया हो, तो हमारे पास डॉटर सेल आ जाएंगे, फिर ये अपनी एक न्यू जनरेशन बनाएंगे। अमर होता है, बिल्कुल सही है, वो सही है। क्यों? क्योंकि उसमें कंडीशंस यही रहती है, अमीबा में क्या रहता है, ये बिल्कुल सही है वो आपका अमीबा। हाँ डिवाइड हो रहा है अमीबा, बिल्कुल सही है कि अमर होता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही सब कुछ है उसका, बाकी ये पूरा ये स्ट्रक्चर हाफ हाफ हो जा रहा है ना, हाफ हाफ हो जा रहा है। तो अमीबा जो रह जाए, एक कोशिकीय जीव होते हैं वो भी अमर होते हैं। हाँ एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, यही तो कह रहा, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरह की कोशिकाएं दूसरी बनाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ भारी ना कि उनकी अलग से वो होती है, डेथ जैसे हो जाती है। अनुवांशिक पदार्थ विभाजित होता रहता है, वो बनते रहते हैं, बनते रहते हैं एक जैसी संरचना, बस फिर वो अपने आप को विकसित कर लेते हैं पुत्री कोशिकाओं में। मतलब ये शब्द बिल्कुल सही है, पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, समझ रहे हैं ना, ये सही है। और टाइम हो गया है क्या अभी? अच्छा पानी बरस, जानते हैं पानी कैसे बरसता है? अच्छा ये बताइए, एक सिविल सर्विस का क्वेश्चन है, हमारे इंडिया में बारिश सबसे ज़्यादा किस रीजन से आती है? रीजन उत्तर। हाँ कहाँ से आती है बारिश? हाँ शाबाश, बे ऑफ बंगाल 70%। सर अभी उधर पूछ रहा है जैली फिश के लिए, जैली फिश अमर होती है कि नहीं होती है? जैली फिश अमर होती है, बताइए। सर हमें लगता है जैसे अगर मतलब एक कोस की से देखें तो मतलब इसमें से भी ऐसे अनुवांशिक पदार्थ की जैली फिश क्या होता है वो अमर होता है। चलिए क्यों? हाँ उसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है जैली फिश में, क्योंकि अपनी जैसी संरचना वो बना लेता है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स होती है उसकी, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इस वजह से उसमें एक्सेप्शन में आता है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं अपवाद होती हैं, जिनमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ टॉपिक अपवाद होते हैं। हाँ
नहीं तो हो सकता है केमिस्ट्री बायो में भी कुछ चीजें बायो में भी हैं कि जैसे हार्ट में ही है और ट्रीज और वेंस। हाँ जैसे इन्होंने सही कहा हार्ट में जैसे आप जैसे इनके क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन थे हार्ट पे कि आर्टरीज और वेंस हम जनरली बोलते हैं आर्टरीज में प्योर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है हम जनरली बोलते हैं पल्प आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है नहीं 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 उसका एक रीजन है अभी आगे बताऊंगा बहुत थोड़ा सा क्या उसका एक रीजन है अभी उनको बताया पूछा क्या है सर कैसे क्या पूछा है हाँ वहाँ से आता है उसका नाम पल्मोनरी कर दिया हाँ बेटा उसमें क्या रहता है कि जो फेफड़े से हृदय में आता है फेफड़े से जुड़कर तो जो सेल्स होती है वो उस जगह आपकी वेन होती है वहाँ पे तो वेन के थ्रू अटैच होता है वो तो इस वजह से वो क्या रहते हैं पल्मोनरी वेन से आपके उसमें हृदय में आता है एक हाँ महासिरा नहीं सिरा उस सिरा धमनी फुफ्फुस सिरा में शुद्ध और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध ध्यान रखिएगा ये हृदय की हाँ ये सही है तो उस समय उसके और भी बेटर रीजन है क्या कि वो थिक होती हैं वाल होते हैं क्यों क्योंकि वेन में क्या रहता है बेटा उसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं आपके वेन में कपाट पाए नहीं सॉरी वेन और आर्टरीज में कपाट उसमें वाल हो वाल वेन्स में वाल होते हैं हाँ प्रेशर बहुत लो रहता है क्योंकि बैक फ्लो ना होने पाए इस वजह से रहता है और बैक फ्लो इस वजह से क्योंकि मान लीजिए हमारा लंग से आ रहा है लंग से जो टिश्यू अटैच है तो जितना भी आ जाए वो सब हृदय की ओर जाए बैक ना जाए मतलब जो हृदय से हृदय के पहले की जो आपकी कोशिकाएं हैं उधर की वो लंग्स की तरफ प्रेशर ना बनाना चालू कर दें समझ रहे हैं इसलिए उनमें से वेंस पाई जाती हैं जो आपने क्वेश्चन एक पूछा ना अभी किसने पूछा कि सर उसमें सिराएं क्यों पाई जाती हैं फेफड़े से हृदय के बीच में सिराएं क्यों पाई जाती हैं सिराएं मतलब आपके वेंस वेंस को जो पल्मोनरी वेंस होती है इनका क्वेश्चन है कि सर लंग से हार्ट के बीच में पल्मोनरी वेन क्यों मिलती है ऑक्सीजनेटर रहेगा ऑक्सीजनेटर रहेगा ऑक्सीजनेटर रहेगा देखिए इधर समझ लीजिए आप कुछ से थोड़ा सा कुछ नहीं है इसमें से मैं कह रहा हूँ ये लंग्स है यहाँ से एंट्री करता है पल्मोनरी वेन है आपका वेन में आपके क्या होते हैं आप क्या मिलते हैं वाल्व मिलते हैं वाल्व मिलते हैं क्योंकि जो ब्लड आप टिश्यू के साथ ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो इसमें एंट्री करना चाहिए वो ढिढ़ में नहीं जाना चाहिए प्रेशर नहीं होगा हाँ प्रेशर हार्ट लगाता है क्योंकि वहाँ लंग्स में क्या होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वही जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है परासरण और विसरण नाम सुना होगा परासरण डिफ्यूजन का प्रोसेस देखिए बहुत क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन किसमें गैसेज में होता है विसरण की अवस्था गैस में होती है अब परासरण की तरल पदार्थ में होती है लिक्विड में होती है अब विसरण भी वही है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गैस इसमें कैसे आ रही है O2 मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है आपका यहाँ कंसंट्रेशन हाई है आपका O2 हाई हो गया यहाँ लो हो गया तो जब हम सांस लेते हैं तो मतलब हम अंदर की ओर खींच रहे हैं O2 हमारे अंदर आ रही है सांस लेने में बाहर के वातावरण से अंदर का वातावरण कम हो जा रहा है तभी तो हम सांस ले रहे हैं क्योंकि ये प्रेशर से नहीं आ रहा है देखिए भाई ये जो ऑक्सीजन आ रही है
ऑक्सीजन टिशु में जाके मिल जा रही है आपकी, कहाँ से? ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एलुलाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एलुलाई, कूपिकाएं जिन्हें कहते हैं। आपने प्रचार में देखा होगा कि एक सिगरेट पीने वाला ऐसे वो ब्लैक सा लग जाता है, ब्लैक सा प्रचार बहुत टीवी वगैरह में लिखा रहता है, बना भी रहता है। हाँ, तो वो करके तो उसमें से क्या कूपिकाएं, अब उसके बाद फिर ये कहाँ पे टिश्यू के साथ मिल जाती हैं। ऑक्सीजन किसके साथ? ब्लड के साथ मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, उसका भी एक रीजन है। मैंने एक दिन बताया था आपको HbO2 का फार्मूला, HbO2 हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के चार अणुओं को ले जाते हैं, ऑक्सीजन के, जब तक हीमोग्लोबिन के पास चार अणु नहीं हो जाते हैं, जब तक हीमोग्लोबिन हिलता भी नहीं है, आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ने का चालू करता है। तब क्या ऐसा हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का काम ना घटे और आरबीसी का काम घटे? हीमोग्लोबिन का काम ना घटे, आरबीसी का, हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर वो क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन में क्या है ना, थ्री है तो उसमें सेपरेट सेपरेट हम देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है हीमोग्लोबिन थोड़ा सा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते। मान लीजिए 11 में आ जाए हीमोग्लोबिन, 11 में 12 होता है तो हाँ वो ऐसा रहता है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा लेकिन आपका हीमोग्लोबिन सामान्य रहेगा। तो ये आपकी वो काउंटिंग पे देखना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। आरबीसी जैसे आपका कितना, 4 से 5 हज़ार रहता है, ऐसा कुछ 4 से 5 थाउजेंड समथिंग है, 4 से 5 थाउजेंड रहता है, बिल्कुल क्लियर है। WBC आपका 3.5-4 लाख रहता है, लगभग 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। WBC प्लेटलेट्स कुछ ज़्यादा रहता है, मिलियंस में पहुँच जाता है उसमें से प्लेटलेट्स में, तो हाँ प्लेटलेट्स आपका शायद 4 लाख होता है, सॉरी प्लेटलेट ज़्यादा रहता है, हाँ तो उसमें से फाइव मिलियन आपकी आरबीसी लगभग। तो उसके बाद ये HbO2 जानते हैं क्या होता है, कैसे बनता है? जैसे आप हीमोग्लोबिन पहले ऑक्सीजन के साथ मिलता है, HbO2 बनाता है, फिर ये HbO2 फोर होना चाहिए, इसलिए फोर ये प्रोसेस कंप्लीट करता है HbO2, ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट करता है HbO2। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के चार अणुओं को ले जाता है, कैरी करता है ले जाने में, तब जाके अब यहां आपने पूछा सर वेन में आप, क्योंकि इसे रिटर्न नहीं जाना है, अगर इसमें क्योंकि क्या है वॉल में भी मिलते हैं, वॉल भी मिलते हैं अगर, हाँ इसलिए क्योंकि रिटर्न नहीं जाना है। अब फिर इसके बाद इसमें से मैंने बताया था आपको कितना ब्लड फिल होता है, 70 ml, 70 ml सिर्फ कितने में, आपके 0.4 सेकेंड में, 0.4 सेकेंड में 70 ml ब्लड फिल होता है। तो एक बार में पंप करता है 70 ml हमारा, जो धक धक की आवाज आती है 70 ml, 70 ml, तो ये आपका फिर वहां जाता है पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स में जाता है, मतलब पूरी बॉडी में जाता है हमारा, ये क्या जाएगा पूरी बॉडी में जाएगा, जो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड रहेगा पंप होके। अब फिर यहां से ये फिर आपका फिर भी ऑक्सीजनेटेड आ जाएगा CO2 वाला, क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करेंगे कि नहीं करेंगे, एनाबॉलिक उपापचय अपचय की क्रिया करते हैं हमारे शरीर के ऑर्गन, तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि कुछ ना कुछ, तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो फिर रिटर्न आता है, उसको शुद्ध करना है, तो ये फिर हमारे लंग्स में इसमें से हृदय में आएगा, हृदय में आएगा, हृदय से फिर आपके फिर यहाँ से शुद्ध ऑक्सीजन आपकी CO2 अलग हो जाएगी। ये प्रोसेस 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, 12 से 16 बार
हाँ, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 से 75 बार। हाँ, एक मानव में रक्त कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, या आप कह सकते हैं उसका 8% उसकी वेट का। हाँ, ये अच्छी बुकों में ये भी लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई 150 किलो का आदमी है, 200 किलो का, तो उसका 5 लीटर भर थोड़ी होगा। 200 किलो का भी आदमी है, कोई भी हो सकता है, हमारे जैसे 40 किलो वाले थोड़ी होगा। एक परसेंट बोल रहा हूँ, आप सीधा 5 से 6 लीटर तो सही है आपका, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी कंफ्यूजन करने वाला आएगा, दो तरह का क्वेश्चन आया है आज तक नीट में, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 6-7-8 साल से, जितना मेरे पास अनुभव है कंपटीशन पढ़ाने का, तो मैं आपको बता दूँ इससे ज़्यादा नहीं आया है। दो तरह का क्वेश्चन आया है, या तो उसका इतना ब्लड है, या तो पूछ सकता है घुमा फिरा के कितना होता है, अगर इतना है तो आप उसको 8% में कैलकुलेट कर दीजिए। 8% किसी भी का 8% निकालना तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं? परसेंटेज निकालना जानते हैं ना? मैं तो फिर फिजिक्स में पूछते हैं परसेंटेज निकालना, फिजिक्स मैं बता दूंगा आपको। हालांकि मैं परसेंटेज निकालना बता दूंगा, मेंडल जब पढ़ाऊंगा एक आईटी वालों के साथ बैठ जाएंगे। तो अगर और पूछना, उसमें से और आगे जाता हूँ मैं, चैप्टर में आ जाते हैं। ये तो खैर बाहरी कुछ, ये समझ में आया ना आपको कैसे? ये सब बेटा पता है आपका 11th में, जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, 11th 12th में है सब लिखा है NCERT में, बस आपको ना पढ़ाया गया ना आपने पढ़ने की कोशिश की। मैंने बताया था ना पहले दिन आके कि वो रोट लर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा है, पढ़ना नोट्स बन जाए, एक घंटे में 3 पेज लिख गया, बहुत सर जी ने आज बहुत पढ़ाया, 3 पेज पढ़ाया, और हमने क्या लिखाया? हमने क्या लिखाया? 3 पेज लिखाया क्या 1.5 घंटे में? लेकिन चीज़ें कितनी बताई आपको, समझ में आनी चाहिए। अब अगर जिसको नहीं आता तो नोट भी करता जा सकता है, आप कह सकते हैं कि कैसे, या पूछ सकते हैं किसी टीचर से कि जरा बताइए कितना ब्लड कैरी करता है, कैसे कैरी करके ले जाता है, हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन को कैसे ले जाता है। हाँ, तो बच्चे पूछ सकते हैं ना टीचर से, पता चल जाएगा ना क्वालिटी कैसे क्या होता है, अगर वो प्रक्रिया समझाता है आपको बताता है। देखिए, पढ़ाने आया था बायोस्कोप क्लासिफिकेशन, पहुंच गया ब्लड सर्कुलेशन, आपने पूछना चालू किया तो आप टेस्ट ले चुके हैं, मेरा ब्लड के तो नहीं आया था। आप सोच रहे हो ब्लड के तो नहीं आता सर जी, है मैं कह चुका हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए बायोलॉजी का, किसी भी टॉपिक से, कहीं से भी, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में बंद कर दीजिए, आप खुश रहेंगे।